सलाम वालेकुम, क्या हाल है वालेकुम सलाम साकिब भाई, कहाँ गायब है इतने दिनों से यार। भाई? क्रिकेट नहीं इधर थी, है क्रिकेट सुफी आ गई, अभी भाई, आ गए रणवीर वापस। भाई। साकिब भाई क्या हाल है, एहतिशाम क्या हाल है, और भाई राजवीर भाई क्या हाल है, आपके खैरियत है आप? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल जबरदस्त। सबको, कैसे हैं आप लोग? और यार उन तमाम फैंस को स्टार्ट में, उन तमाम फैंस को जो मुसलसल मैसेजेस कर रहे थे, कुछ को मेरा पर्सनल नंबर भी मिल चुका है, उस पर व्हाट्सएप भी कर रहे थे। और यकीनन जब शुरू करना था तो उनको जब भी बताना था, कल मैंने सबको जवाब दे दिया कि इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आज हम लोग शो कर रहे हैं। और वो तमाम फैंस जो ये सोच रहे थे कि यार शायद कोई कैफे बंद हो गया, पूछ भी रहे थे, सवालात भी कर रहे थे, तो कैफे बंद नहीं हो सकता भाई, जान जा सकती है हमारी। भाई क्रिकेट नहीं हो रही थी ना यार, अब क्रिकेट शुरू हो गई तो हम भी वापस आ गए। मतलब क्या करते हो यार? चलो और अच्छा क्या है ना, ब्रेक मिल गया यार, कुछ नहीं, और क्रिकेट चालों ने नहीं होगी चाल। भाई जान, मजाक हो रहा है ये, मजाक, क्रिकेट नहीं नहीं होगी ये। यार, चलो आज कम बारिश से हो कम, गए, आज कम से कम पहली गेंद तो गिर गई ना यार, ये तो हो गया। वो पहले रन तो बन गया। ट्रेड और बिजनेस हो रहा है ना राजीव भाई, ये ट्रेड है और बिजनेस है। आप देखो ना यार, ये बेचारे क्रिकेटर्स बन गए हैं स्केप गोट्स, कि चलो इन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर फ्री में देखेंगे क्या बने आगे क्या? चलना है। फ्री में बने क्या? ये कोई बात थोड़ना हुई यार, ये कोई बात थोड़ना हुई। फ्री में बने आपने भाई, देखा मैदान में कोई बंदा नहीं था आज, कोई बंदा नहीं था, ऐसे ही होगी वो क्रिकेट, मस्तौल ऐसी मार रहे ही थे होगी, ग्राउंड में। ऐसे ही होगी क्रिकेट। वो मसनूई आवाजें दे रहे ना वहां पे, वहां शायद ये वाली तो अबे तो मसनूई भाई ये आवाज मुझे है। बताएं, तो प्रीमियर लीग के रोज मैचेस जो चल रहे हैं सॉकर में, तो उसमें कौन सी तमाशा हाँ है? नहीं, चल उसमें तो मसनूई ये आवाज भी नहीं। भाई ये भाई ट्रेड है, ये ये बिजनेस फिर है। भाई, जी इस किस्म की इस किस्म की एक अंग्रेजी फिल्म भी होती है जिसमें जो है वो फेक आवाजें निकाल रहे होते हैं पीछे से। फेक आवाजें निकाल रहे हो, ये तो कोई लाफ्टर चैलेंज नहीं होता, जैसे पीछे से बैकग्राउंड से आवाजें आ रही होती है हंसने की, हंसने की वो आवाज अरे है यार वो, गेम क्या को है जान यार, कम लो। से कम हाँ क्रिकेट चले वापस तो आई, स्पोर्ट्स तो वापस आ रही है। मेरे हाँ ख्याल से तो पैसे, आज तो कमेंटेटर्स पिच ग्राउंड में भी नहीं गए थे पिच रिपोर्ट बताने के लिए कि पिच कैसी है। मैं सुन रहा था हाँ माइकल तो होल्डिंग को, नहीं नहीं देखा नहीं शायद गए वो, टॉस मैंने देखा मैंने नहीं, टॉस मगर तो गए नहीं। जरूर माइकल होंगे होल्डिंग ने बिल्कुल। बोला था एक टीवी इंटरव्यू में कि दैट वी वर नॉट अलाउड टू गो ऑन द पिच, सो आई थिंक द पिच इज ड्राई, दैट्स व्हाट एग्जैक्ट वर्ड्स। चलो तो चलो पता यार, नहीं। पहली गेंद तो गिरी यार, देखते हैं क्या हाँ होता है। जी उसके सही बात, बाद बारिश सत्रह हो ओवर गई, खेल गए लेकिन पहले हाँ दिन में, काफी है, हाँ अब सत्रह गेंद तो ओवर गिरी करा है। लिया हाँ आज। हाँ 17.4 ओवर करा दिए मैं, ख्याल में 35 चले रन ठीक पे है एक यार, गेंद भी आज कर कम दिया से भाई। कम वैसे थोड़ा थोड़ा कमाल है, करके इनकी क्रिकेट जस्ट अभी तक टॉप थ्री सेटल नहीं है। यार, नहीं यार आपके राजीव टॉप भाई, थ्री, ये जो जो आपके जो टॉप इस थ्री वीक, सेटल्ड हैं तो क्या हर टीम के टॉप थ्री सेटल्ड होंगे क्या यार? नहीं, तब भी मैं हर टीम के सेटल तो होते हैं राजवीर भाई साहब। भाई, इस वक्त इस कंडीशन में, जो पिछले 3-4 दिन से कंडीशन हो रही है ना इधर यूके में, इस कंडीशन में आपके भी तीन खड़े होंगे ना, तो वो भी 40 पे दो तीन लगे हुए होंगे, नहीं, कंडीशन बड़ी वो होगी। तो ठीक है, अरे टॉप टॉप सिर्फ उनकी टॉप होम में तो कंडीशन है यार एहतसाम नहीं, भाई, नहीं वो पले दूसरा बड़े इसी कंडीशन में है यार। नहीं राजवीर भाई, वो नहीं, आजकल वेदर अभी खराब चल रहा है, ये अगले 2-3 दिन भी ऐसे ही खराब चलेगा, वेदर ऐसे ही चल रहा है ये, अगर अप्रैल और मई में जो वेदर रहा है अगर उसमें मैच हो रहे होते तो वो उसमें मेरे ख्याल में 100 पे 1 होता या नहीं होता कोई भी। मेरे कहने का मकसद ये था कि इंग्लैंड के टॉप थ्री फॉर द पास्ट 2 ईयर्स अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, यार मेरे ये कहने राजीव का भाई, मतलब था। कुक के जाने के बाद से ना उनको कोई अभी तक हाँ ऑफर भी नहीं मिल के दे रहा है, कोई सेटिंग नहीं होके दे रही है। तो जब बिल्कुल भी वो बिल्कुल, सिबली को और डैनली वगैरह कोई लोग चांसेस दे के तैयार कर रहे हैं, और बीच में जेनिंग्स आया था, जेनिंग्स अच्छा था लेकिन वो थोड़ा फेल हुआ है, अभी फिक्र नहीं उनकी करो, भी तब अगली सिलेक्शन होती है। अगली सीरीज पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान सब सेटल करा हाँ देगा, हाँ वो तो फॉर्म टॉप वापस आ ऑर्डर, मिडिल जाएगी। ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर सब सेटल करा देगा हाँ यार पाकिस्तान। वैसे पुरानी साकिब भाई, हमारी पुरानी एक बात परंपरा है बताऊं ये। मैं आपको, ट्रेनिंग ट्रेनिंग पाकिस्तान नहीं का यार ट्रेनिंग कैंप मुझे बड़ा अच्छा चल रहा है, एहतिशाम, बॉलर बैट्समैन दोनों बड़े अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और गुड न्यूज ये है कि अपना फवाद ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है आपस में कर चेन्नई रहे में। हैं ना नहीं फवाद, फवाद आपस फवाद में खेल रहे हैं ना ऐसे यार ही अभी। खेलता है, फवाद हमेशा वहां खेलता है जहां नजर नहीं आता वो, तो वो और और आबिद अली, मतलब इन हाँ लोगों ने बैटिंग वगैरह अच्छी की है, नहीं बॉलिंग हमारी तो जाहिर बात है स्ट्रांग तो है बॉलिंग ना इफी भाई, बॉलिंग तो स्ट्रांग यार, है क्या ऑलरेडी। रन वन नहीं बनाओगे क्या? आपके तो नंबर 4 तक, बाबर के आने तक कोई सेटल नहीं है, आपके तो तकरीबन समझ ले पिछले 5 से 6 साल से आपके ओपनर सेट नहीं है। आप कभी अहमद शहजाद को ले लेते हैं, कभी तौफीक उमर गया तो आपने अजहर अली को भी ओपन करा दिया क्योंकि अपना मौका था आपका। अब शान मसूद आ गए, मसूद साहब के लड़के, उनको खिलाने के आप चक्करों यार में, कभी इमाम को खिला दे इफी क्या? भाई अगर आप यार टेक्निकली मतलब देखें, आप
आप ये बताएं, टेक्निकली बाबर चौथे नंबर पे आया था मगर T20 में नंबर ऊपर नंबर वन पे जाके खेल रहा है वो, मतलब आप अपनी मर्जी जिस प्लेयर पे होती है ना उसको करा देते हैं, दूसरी टीमों पे आपकी नजर होती है इनके ऊपर सेटल नहीं है। इफी भाई अगर सेटल होने की बात कर रहे हैं ओपनर्स की, अगर आप ओपनर की सेटल होने की बात कर रहे हैं तो फिर सईद अनवर और आमिर सोहेल के बाद तो फिर सेटल ही नहीं हो पाए ना पाकिस्तान ओपनर्स। नहीं भाई आपके पास तौफीक और इमरान फरहत नहीं थे क्या सेटल ओपनर थे? नहीं मतलब मैं ऐसे पेयर को जोड़ी थी आप सेटल नहीं होके दिए। नहीं आप ये नहीं कह सकते कि उन जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता ना यार। वाह ये बात उन जैसा बेहतर जरूर थे। बहरहाल आज की जो सबसे बड़ी न्यूज मुझे लगी है क्रिकेटिंग वर्ल्ड की वो लगी है गंगोली दादा की, आज उनकी सालगिरह है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, 48 साल के हो गए हैं वो। ठीक है मेरी और कैफे क्रिकेट की टीम की सारी सबकी तरफ से मुबारकबाद हो। आज ही उन्होंने विजय दीनानाथ चौहान बन गए, वो अपनी सालगिरह पे अग्निपथ के अमिताभ बच्चन बन गए और उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि एशिया कप मुलतवी हो गया, मतलब ये काम तो कैंसिल हो गया, कैंसिल खत्म कर दिया उन्होंने बोल के ये कि यार आज के बाद एशिया कप नहीं होगा। अच्छा अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ था कि ये एशिया कप होना किधर है, इंडिया हमेशा से कह रहा है न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान वो आ नहीं सकते खेलने के लिए, मगर पाकिस्तान का ये कहना था कि ये पाकिस्तान में ही होगा, मगर एसीसी ने अभी तक अनाउंस ही नहीं किया था। एसीसी कब अनाउंस करता है? कल मीटिंग होनी थी फाइनल, कल फाइनल मीटिंग होनी है, उससे पहले दादा ने बोला मार्च बस खत्म, नहीं होगा। दादा ने बोला निकलो इधर से बाबा, तुम जानते नहीं मैं हूं किधर, मेरे दादा ने बोल दिया तो बोल दिया खत्म। दादा वैसे 48 इयर्स के लगते नहीं है दादा, तो अभी 38 इयर्स के लग रहे हैं, वैसे फिट लग रहे हैं दादा। नहीं इसलिए लग रहे हैं कि इसलिए दादा लग रहे हैं माशाल्लाह, उनके पास दो BM बाइक है CLK 30 की, अच्छा एक कन्वर्टेबल बेंज है उनके पास, एक ऑडी 5 है उनके पास, तो वो इन चीजों में जब रहते हैं तो वो अबे तो भाई वो पुराने उसको उसके साथ दौड़ते तो नहीं है ना, उसको चलाते ही है ना बैठ के, तो फिट उस तरह थोड़ी है, दौड़ तो नहीं रहा। मैं आपको शौक बता रहा हूँ, ये सारे स्पोर्ट्समैन शौक है, मतलब ये वो वाले शौक है इनके के, मतलब ये लौंडे, ये इसमें आदमी कभी बुड्ढा ही नहीं होता, हमेशा लौंडा रहता है भाई। प्रिंस ऑफ बंगाल है भाई, वो कोई स्टाइल है भाई दादा का। अच्छा आज मैं क्योंकि दादा की सालगिरह थी तो मैंने आज दादा की जरा पुरानी चीजों पर नजर डाली, तो वो अपने नाजरीन से भी शेयर कर लूं कि दादा की अगर आप पूरा क्रिकेटिंग करियर देखे ना तो बड़ा दबंग रहा और बड़ा हिम्मत वाला रहा, यानी कि ये तो सबको ही पता है कि गांगुली ने इंडियन टीम को जिस तरह से रोड मैप दिया है, जो आज तक इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है वो सिर्फ गांगुली ही कर सकता था, और जो जारहाना अंदाज उनका क्रिकेट में था वो समझ लें क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद भी चला आ रहा है। हालिया बयान उनका कि एशिया कप खत्म हो गया, ये बयान था, मगर मैंने जब अगला T20 वर्ल्ड कप का भी यही सीन है उनका, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं ना होता नजर आता वर्ल्ड कप, अब हम IPL कराएंगे, ये कह रहे हैं अब IPL होगा अब अगला। बस असल में यार दिस इज ऑल रीजन बिहाइंड इट ना यार, 2 महीने पहले मैंने आपको कहा था ऑब्वियसली चीज है IPL प्रायोरिटी, IPL उन्होंने करानी है, वर्ल्ड कप वगैरह नहीं है इनके लिए भाई, कुछ डील है तो वो कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो पहले से ही पता था कि एशिया कप होए, ये मुझे नहीं पता था कि आई वाजंट श्योर कि एशिया कप कैंसिल हो जाएगा, पर मुझे ये जरूर पता था कि पहले IPL होगा उसके बाद कोई और टूर्नामेंट होगा। नहीं अब वो मैं आपको बता दूं, पैसा इन्वॉल्वड है सर, एक दो चीजें मैं ऐड कर लूं इसके ऊपर, 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में होना था, जो मेरे ख्याल में जुमे को फाइनल मीटिंग है जिसमें तय कर दिया जाएगा कि इस दफा वर्ल्ड कैंसिल नहीं हो रहा। सेप्टेम्बर में इंडिया ने एक छोटा सा दौरा करना है महदूद ओवर की क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, तो शायद इनके आपस में कोई मामला तय हो गए BCCI के और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के कि भाई ठीक है T20 वर्ल्ड कप में, तो क्योंकि अब वो तमाशाइयों वाली आमदनी या मीडिया राइट से इतनी आमदनी ना हो सके क्योंकि कोरोना का मसला चल रहा है, तो वो छोटी सी सीरीज करा के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि माली खसारा चल रहा है तो उनको भी इंडियन क्रिकेट टीम कुछ फायदा पहुंचाएगी। 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था कि रीस्केड्यूल हो जाए, तो शायद इंडिया ने इसके ऊपर भी मना कर दिया कि भाई 2021 का क्योंकि हमारे हो रहा है हम तो नहीं दे रहे तुम्हारे को यार, सीधी सीधी डिक्टेटर की तरह। अब 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया को मिलने के इम्कान है। IPL क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, 4,000 करोड़ रुपए भाई इसमें इन्वेस्ट होते हैं, 4,000 करोड़ रुपए, यानी कि आप इस रकम को सोच लें, इस कदर रकम है कि आदमी गिनता रहे और बूढ़ा हो जाए उसके अंदर, 60 साल का हो जाएगा, गिनता रहेगा खत्म नहीं होंगे। मैं जो आपको ये बात बता रहा था अभी गांगुली की, कि गांगुली की जो स्ट्रेंथ है
टूवर्ड्स बीसीसीआई को लेकर वो किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं वो नजर आ रही है अभी इसके अंदर, वो ये नजर आ रही है कि भाई अगर आप गंगुली के पिछले एतवार देख लें, सन 2001 से मैं देख रहा हूँ, अगर उनकी कप्तानी मैंने देखी तो उनके ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव वॉ से बड़े मामला खराब रहे। स्टीव वॉ ने अपनी किताब में लिखा, जो मैंने आज पढ़ा, उन्होंने लिखा कि यार गंगुली ने मुझे 7 अहम टॉसेस जो थे उसमें लेट आया, जानबूझकर इसने मेरी तजलील करी, इसने मेरा मजाक उड़ाया, ये हमेशा यही करता था कि टॉस पे लेट हो जाता था और मैं खड़ा हुआ ग्राउंड में इंतजार करते रहता था। उसके बाद उनके सबसे बड़े तनाजात जो हुए वो हुए ग्रेग चैपल से, जिसपे उनको अपनी कप्तानी से भी हाथ धोने पड़े सन 2005 में, जब मामला इस कदर खराब हो गए कि गंगुली को कप्तानी से हटाना पड़ा। अच्छा वो मामला थे क्या, वो मामला ये थे कि उन्होंने टीम की परफॉर्मेंस से ज्यादा वो उनकी तवज्जो होती थी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूं जाके, मैं मीडिया में जाके खिलाड़ियों के हवाले से कुछ कह दूं, जबकि गंगुली का मौकफ ये होता था कि भाई तुम्हारा काम जो है वो जॉब है, तुम्हें कोच करना प्लेयर्स की। अच्छा ये मैं गंगुली के हवाले से नहीं कह रहा, ये सचिन तेंदुलकर ने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है कि ग्रेग चैपल जो थे वो उनके मामला टीम की परफॉर्मेंस से ज्यादा मीडिया में जाकर बकबक करने के लिए ज्यादा थे। तो अच्छा ये भी मामला आते थे। माइक डेनिस का सबसे बड़ा वाकया है जो आज तक गंगुली की पहचान बना हुआ है, जो सन 2001 में साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया, जो माइक डेनिस को इन्होंने पल्ला, इससे पहले उन्होंने जो है वो उसको थ्रेट किया गंगुली ने गलत आउट देने पे, उसके बाद अरे एफी भाई गंगुली के ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं है यार ये वीडियो हमारी मैं डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं यार। आज अगर गंगुली ये कह रहा है ना कि भाई एशिया कप मुलतवी हो गया तो उसके पीछे जो चीजें है ना कम से कम उस पे भी नजर डालें आप। माइक डेनिस पीछे इतनी चीजें हैं, आप हालिया चीजों की बात करें भाई, भाई कुछ पीछे नहीं है, सबसे इंडिया सबसे ज्यादा स्पॉन्सर में पैसे दे रहा है, नहीं पैसा नहीं भाई, देखे भाई पैसा डिक्टेट कर रहा है बीसीसीआई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास है 58 अरब रुपए के एसेट से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, यार दुनिया का यार साकिब भाई सबसे अमीर तरीन बोर्ड है। अगर आप पैसे की बात कर रहे हैं ना भाई, तो डिक्टेटरशिप भी है ना, मैं तो बोल रहा हूँ एसीसी आईसीसी आईसीसी और जितने भी और सीसी है सबके ऑफिस इंडिया में, वो रीजन नहीं है, वो रीजन नहीं है कि वो किसने करा दे, नहीं इट्स ऑल मॉनिटरिंग। आपने इतना एक्टिव श्रीनिवासन को कभी देखा बीसीसीआई तो का जो है वो क्रिकेटर थे नहीं थे ना, अब आ गए ना असल बात पे भाई, वो क्रिकेटर ही समझ सकता है तो भाई क्रिकेट में दादा दादा था भाई, क्रिकेट में दादा दादा था, उसका अपना एक एटीट्यूड था। अच्छा अच्छा यार इसी भाई ये बताएं कि हमारे यहाँ भी एक क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, उसमें क्या हो रहा है आजकल? पीसीबी तो सिर्फ ये कह रहा है कि गंगुली को इस तरह नहीं कहना चाहिए था भाई, और कल की हम मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं जो एसीसी की मीटिंग है, उसके बाद हम जवाब देंगे। भाई जवाब आपके पास रहा नहीं है, जब आपको एक अहम अरकान ने एसीसी के जो इंडिया सबसे बड़ा रुकन है इस वक्त एसीसी का, उसने साफ साफ कह दिया कि ये मामला खत्म हो चुके हैं। अच्छा ये अपने अभी इंग्लैंड सीरीज पे लगे हुए हैं तो मेरे ख्याल में शायद इनको भी इस पे ज्यादा जोर देने, मैंने मुझे याद है अच्छी तरह हमने पिछले 1-1.5 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि पीसीबी दबे लफ्जों में इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मदद करेगा आईपीएल को लेकर और एशिया कप को लेकर, और उसी वक्त हो गया था यार जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ रही थी, ये मामला तो उसी वक्त तय हो गए थे यार। भाई याद नहीं आपको? मैंने तुम्हें क्या बोला था, हम जब रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे थे, हमने किया था, हमने बात की थी, नहीं जब हम रिकॉर्डिंग शुरू करने लगे थे उससे पहले मैंने कहा था ना कि 16 मिनट तो सिर्फ एफी भाई बोलेंगे, अगर राजवीर भाई इनके बीच में टोकते नहीं ना तो पूरे 16 मिनट। मेरे को ये समझ गया, उन्होंने 16 मिनट गांगुली के ऊपर डॉक्यूमेंट्री दे दी, मुझे इस बात का समझ नहीं आया। ठीक है यार, गंगुली डिजर्व नहीं करता है, गंगुली डिजर्व नहीं करता है। आईसी
आईसीसी को लेकर अगर किसी का नाम लिया जा रहा है इस वक्त तो वह गैंगुली का लिया जा रहा है भाई। अगर यार इफी भाई बात यार वो नहीं आएगा आईसीसी यार। इफी भाई मैं आपको बात सुने गंगुली जो है ना बीसीसीआई प्रेसिडेंट ज्यादा स्ट्रांग है भाई आईसीसी का प्रेसिडेंट की वो बात सुने बात ये है कि वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गैंगुली ने अपने दौर में ना राहुल द्रविड़ को छोड़ा ना इस बीसीसीआई की जब कमेटी में वो आए थे जिसमें रवि शास्त्री को एज अ कोच लेना था इंडियन क्रिकेट टीम का, उस पे रवि शास्त्री को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मौका हाँ तो भाई दादा डिक्टेटर है ना यार, क्या हो गया इसमें एक मिनट आप जो कह रहे हो ना कि दादा डिक्टेटर रहा है ये रहा है, मैं आपको इतना बता दूं ग्रेग चैपल को लाने वाला भी दादा था, वो उनको दादा ग्रेग चैपल को अपना फादर समझता था क्योंकि उसने कुछ को ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग का कुछ टिप दिखाया था और ही स्कोर्ड अ सेंचुरी द नेक्स्ट डे। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड हैपनिंग बिटवीन गांगुली एंड चैपल, नाउ गांगुली की पावर भी डिमिनिश हो गई थी, गांगुली की भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था टीम में, चैपल का अथॉरिटी ज्यादा हो गई थी, नहीं तो वो कप्तान खुद सोचो कप्तान। लेकिन राजीव भाई मेरा कहने का मकसद ये है कि दादा ने जिस तरह खेला और दादा का जो लाइफ स्टाइल रहा, दादा ने जिस तरह खेला ठीक है, वो बेटरमेंट के लिए क्रिकेट ये हमारे ना मूल। अब देखो इंडिया में ऐसा नहीं होता, अब इंडिया में कि हम गोरों को बहुत तवज्जो देते थे कि गोरी चमड़ी है तो ये जो बोलता सही होता होगा। मैं आज तक मैं आपको एक बात बताऊं, ये गैंगुली को 2005 में जब कप्तानी से हटाया गया उसकी जगह राहुल द्रविड़ को लाया गया था, और उसके ठीक डेढ़ साल के बाद 2007 का जब वर्ल्ड कप होने वाला था गैंगुली को फिर टीम में लिया गया, मगर टीम के प्लेयर्स को इस कदर दूर कर दिया था ग्रेग चैपल ने एक दूसरे से कि ओपनिंग स्टेज में ही इंडियन क्रिकेट टीम बाहर हो गई थी वर्ल्ड कप के। बस पर द्रविड़ ने भी बुरा नहीं ये बताएं, सब छोड़े यार आप लोग ये बताएं, अभी जो आज मैच स्टार्ट हुआ है इसको छोड़े यार, गंगोली बहुत हो गया, आज जो मैच स्टार्ट हुआ है क्या प्रिडिक्शन है आप लोगों की अगले 5 दिन में क्या होगा? बारिश यार ये मैच तो कल के बाद से सही है सुबह में शावर वावर उसके बाद सही हो जाएगा, ड्रॉ होगा यार। मुझे ये बताएं जो ये जो हमारे वाले लौंडे गए ना ये क्या करेंगे, आप क्या कह रहे हैं साकिब भाई? खेल पाएगी इंग्लैंड के साथ साकिब भाई? अगर कल चले फर्स्ट करें, कल सुबह शावर धोते हैं, पहला सेशन 2 घंटे का नहीं होता ठीक है, अगर लंच के बाद कल मैच स्टार्ट होगा ना वो अगले 4 दिन मैच होगा, वो ये मैच ड्रॉ नहीं होगा ये भी बता दूं मैं आपको, इंग्लैंड जीत जाएगा। अब ये मत बोलना कि वेस्ट इंडीज जीत जाएगी, नहीं नहीं ये इंग्लैंड का ऑब्वियसली इंग्लैंड का ज्यादा होगा इसमें, ये इंग्लैंड खा जाएगा मैच। चलो वो पता ही है सर, नई चीज बता रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा मुझे वेस्ट इंडीज रिस्क करेगा नीचे से, अभी मैं आपको बता रहा हूँ यार इफी भाई, मैं आपको बताऊं अगर ये इन्होंने 250-300 भी रन कर दिए ना इंग्लैंड ने, ये इनको लेस देन 170-180 रन जो है ना वेस्ट इंडीज को पहली इनिंग में आउट कर ले, कहाँ खेल पाएगी यार वेस्ट इंडीज। नहीं प्लेयर बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ है प्लेयर वगैरह बहुत अच्छे, पर उनका मेन प्लेयर तो आया नहीं ना, दो प्लेयर नहीं आए ना उनके, यार दो प्लेयर से इतना दो सेशन अगर कंटिन्यू कल हो गए पहला और शाम दोपहर वाला तो फिर शायद कल मेरे ख्याल में थोड़ा सा शायद लेट शुरू हो जाए, लेकिन कल से वेदर अच्छा है ठीक है, पर वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अच्छी है बैटिंग से, हाँ बॉलिंग अच्छी है लेकिन यार बॉलर अच्छा है उसका, रोच और गैब्रियल अच्छे बॉलर है, आने वो आज शायद वो कंडीशंस का थोड़ा फायदा नहीं उठा पाए ये वेस्ट इंडियन, क्योंकि ओवरकास्ट थी आज, मुझे लग रहा था कि शायद शुरू में विकेट निकाल यार 17 ओवर में 4 और क्या कंडीशन का और एडवांटेज लेंगे फिर भाई। नहीं नहीं मैं बताता हूँ उसको, ये गैब्रियल हो गया कैमरन रोच हो गया, ये जो जिस तरह के बॉलर है ना ये थोड़े सीधी विकेटों वाले कंडीशन के बॉलर हैं, आगे से आउट ही है, यहाँ जो इस कंडीशन में टेस्ट में विकेट जो लेगा ना इंग्लैंड में वो आगे जो बॉल करेगा आगे से जो स्विंग करते हैं ना वो लेंगे, स्विंग करेगा ये पीछे मारते हैं कौन तो वो मारते रहे वो तो लीव करते रहेंगे। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से कौन है वो बॉलर एहतिशाम जो आगे मैं आपको बताता हूँ, अब्बास है ठीक है, अब्बास आगे से आउट करेगा
ठीक, और अपना अगर सोहेल खान को चांस मिलता है, सोहेल खान भी आगे से अब आउट करने वाला बॉलर है, अगर इमरान खान को चांस मिलता है इमरान खान भी आगे से आउट करने का बॉलर है, और नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बात की है उस दिन, मैं उसका महल में इंटरव्यू कर, भगवान नहीं नहीं कल उसकी नजर से इंटरव्यू किया है, वो अच्छी कर रहा है बॉलिंग, और मेरे ख्याल में सीख भी रहा है, ऑब्वियसली वो क्विक लर्नर भी है, जो आगे गेन करेगा ना, जैसे उस बार उसमें इमरान खान है, अब्बास है, और अपना आफरीदी भी गेंद आगे कर, आगे से आउट करता है वो, आगे से स्विंग होती है, जो आगे गेन करेगा ना वो मजा करेगा। चले ठीक है यार, मैं तो कह रहा हूँ कि मैच शुरू होने तक सारे मुकम्मल रहे वहां पे, ठीक है, अभी बाकी भी तो पहुंच गए, बाकी चार भी तो पहुंच गए, बाकी चार आज पांच गए आज क्रिकेटर में, हाँ पांच या चार तो वगैरह उसके अंदर शामिल है। देखिए यार कल एक तो वो है ना, महसूस है मलंग अली वो मैच्योर है, वो तो मलंग तो हर वक्त है भाई टीम में, वो कहीं बाहर नहीं होता, वो हर वक्त मलंग टीम से बाहर होता है तो इंजमाम के घर पर होता है वो पीसीबी है, जब टीम बाहर होती है ना टूर पे होती है तो पीसीबी जो है ना वो मलंग है। चलो अभी मेरे ख्याल से चलते हैं, राजवीर भाई कुछ कह रहे हैं आप? राजवीर भाई नहीं नहीं कुछ नहीं कह रहे, कुछ आपके पास था कुछ कहना चाह रहे थे, आप हंस रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, आप लोगों ने अब कॉन्वर्सेशन ही इतनी लंबी कर दी, अब क्या बोलूं? नहीं नहीं बताएं राजवीर भाई कुछ है आपके पास? मैंने देखो जब ये वीडियो शुरू हुई थी, जब हम लोगों ने दोबारा जब ज्वाइन किया था आप लोगों को, तो मैंने एक बार बोला था आपके एक मरहूम सॉरी बहुत ही फेमस क्रिकेटर जो है शोएब अख्तर जी की, मैंने बताया था कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने अब इसके साथ आ गए हमारे शाहिद अफरीदी भाई भी। मुझे ये समझ ही नहीं आता सर, आप लोग मुल्क के क्रिकेटर्स हैं, उनको अपने अलावा और कुछ दिखता क्यों नहीं है? अब क्या कह दिया भाई उसने किसी इंटरव्यू में, ये बोला था कि इंडियन प्लेयर्स मेरे साथ डरते थे, मेरे कमरे में आके बोलते थे भाई पीटना मत, मतलब अगले मैच में कुछ मारना मत ज्यादा। भाई क्या किया अफरीदी ने? अबे भाई मजाक की भी बात होती है ना यार, मजाक की भी बात होती है, लाला पठान आदमी भाई, वो रेसलिंग कर देता है भाई, क्या हो गया? मजाक की बात होती है, हाथ बात छोड़ दे दो, नहीं पता कि वो कभी बैट्समैन बन जाता कभी बॉलर बन जाता, अपने एंड के करियर एंड में बोलता है वो, जब करियर के एंड में आता है। राजवीर भाई यार ये तो मजाक की चीज है यार, राजवीर भाई आफरीदी यहाँ से जो भी बोले आफरीदी को जवाब देने के लिए आप लोगों ने एक आदमी रखा हुआ है ना वहाँ पे, गौतम गंभीर नाम का, वो आजकल लोग गंभीर भी परेशान हो गया ना भाई, ये क्या आदमी है? तो हम जैसे लोग आ जाते हैं बोलने के लिए उसके बिहाफ पे यार, वो क्या हो गया मतलब समझ नहीं कि क्या, मतलब अभी या तो कोरोना का फेट पड़ गया उसपे, ये कोरोना से ठीक हुआ? अबे भाई कोरोना का जनरली लाइफ लोगों की जिंदगियों पे बहुत असर पड़ा है, तो उनके क्या सुनाते हैं मेरे को लग यार, देखें सीरियस लेने की चीज, राजवीर भाई मैं आपको एक बात बताऊं, यहां की मीडिया के हवाले से या लोगों के हवाले से इस किस्म के जितने स्टेटमेंट्स होते हैं ना हमारे प्लेयर्स के, स्पेशली इंडिया के हवाले से, वो सिर्फ इंडियन मीडिया के लिए होते हैं, पाकिस्तान मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं होता ऐसी बातों का। अच्छा, कोई जिक्र नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही बड़े मसाइल हैं। और एक और साकिब भाई, एक और इसमें बात है, नहीं होता हम लोगों का। अच्छा एक और इसमें बात है, हमारा ये मीडिया है ना ये उछालता है चीजें, अब वो मेरे ख्याल में वो अपनी कोई पूरी बात बता रहे होंगे, यार हम वो तफरी करते थे, हम आपस में लड़ते थे, ये करते थे, मेरे ख्याल में वो बात हो रही होगी, तो उसमें जो कार्ड के ना एक जुमला चिपका दिया होगा कि यार ये है इन्होंने इंडियन उनके प्लेयरों का अगेंस्ट कुछ बोल दिया। नो नो ही सेड दिस, ही इज एक्चुअली सेड एक 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 चीज मैं आपको बता दूं, हरभजन सिंह, क्योंकि ये इनके आपस में बड़ी अच्छी है, हरभजन यूवी और युवराज वीरेंद्र सहवाग, और इन लोगों की शायद से बहुत अच्छी है, और हरभजन कई निजी फैम पार्टीज में और शायद कपिल शर्मा शो में भी, वो ये इस बात कपिल शर्मा शो का मुझे याद आ गया, उसने बोला था, कह रहा है यार शायद तो कब्र में बुला के कह रहा है लाला जरा यार शाटे कम मारियो यार, मतलब वो ये था हरभजन को थोड़ा उससे टारगेट ज्यादा किया अपने करियर में, जब इंडिया से वो मैच खेले तो उसको बेचारे को छक्के वक्के दिए शायद ने, यार ये शोएब ने बुला लिया हमें रूम में, मुझे और यूवी को, कह रहा उठा उठा के फेंक रहा है हमारे को,
मजाक की चीज है असल में। जब मीडिया की जीनत ये वाली चीजें मीडिया की जीनत बनती है तो लिखारी का अपना एंगल भी होता है कि किस तरह से इस चीज को बेचा जाए, तो शायद वो बेचने के तकाजे थे कि वो खबर इस तरह से मिली होगी आपको, मगर ये लोगों का आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है सर। मुझे लगा कि लोग बोल सकते हैं, मुझे लगा कि न्यूज आई है तो मैंने जरा आप लोग से शेयर करूं और नहीं आप करें बिल्कुल करें, आप मतलब खुल के बोले आप मना किया करें आप करें आपका फरीदी है और एक है आपका शोएब अख्तर, ये दोनों आदमी मैं मतलब समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं इनके बारे में। अबे एंटरटेनर भाई क्या हो गया जब वो खेलते थे तो मास्टर ब्लास्टर है ठीक है क्या हो गया इफी भाई। आप कभी अपने आप जैसे कि एक्टर हो आप कभी अपने आप को प्रेस करो कि मैं मुझसे बड़ा एक्टर नहीं है पूरी दुनिया में यार, जब भाई अगर खड़ा होता हूं तो यही बोलता हूं भाई भाई शीशे की बात नहीं कर रहा वो तो शीशे में सभी अपने आप को सलमान खान भाई अगर शोएब अख्तर कॉन्फिडेंस है ये नहीं समझता कि मैं ये बुरा हूं इफी भाई अगर शोएब अख्तर जितने बड़े हो जाएंगे तो शायद बोल देंगे यार। हां जी इफी भाई अगर शोएब अख्तर जितने बड़े हो जाएं तो शायद बोल दें ये भी भाई। देखे इसमें तो कोई इसमें तो ये तो फैक्ट है ना कि यार दुनिया की तेज तरीन बॉल तो कराई है ना उस आदमी ने यार। हाँ। ओ भाई कराई है दुनिया का अच्छा सबसे अच्छा बॉलर भी है मानो द बेस्ट अच्छा बॉलर है बस ठीक है बोलने दे। ग्लेन मैकग्रात को सुना है कभी, शेन वॉन को सुना है कभी, राजवीर भाई मैं बताता हूं आपको सुने 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 तो भाई बात सुने बात सुने उससे बड़ा प्लेयर नहीं है कोई। अरे राजवीर भाई वो ये बात तो कभी शोएब अख्तर ने भी नहीं बोली यार, खेले नहीं थे जब वो पाकिस्तान खेले नहीं थे तो वो खुल के बातें करते थे भाई, क्या भाई अपनी प्रेस के अलावा कुछ कहता ही नहीं है वो भाई, उसकी टर्न भी आने को बोलता है यार वो अपनी पुरानी बातें कि आज मेरा नाम याद रखना शेयर करता है यार क्या हो गया शेयर करता है यार। साकिब भाई यू आर बीइंग डिप्लोमेटिक राइट नाउ यू आर बीइंग डिप्लोमेटिक नहीं यार इसमें डिप्लोमेटिक होने की क्या बात है यार। तो भाई स्टाइल है शोएब का यार आपको राजवीर भाई गर्मी ज्यादा लग रही है दिल्ली में गर्मी बहुत मैं आपको नग नग से वाकिफ हूँ आप यू आर बीइंग डिप्लोमेटिक राइट नाउ नहीं से बताओ यार यार ये शोएब अख्तर बड़ा मासूम क्रिकेटर है यार मैं आपको बता रहा हूँ नहीं यार भाई यार शोएब ही तो है यार क्या हो गया अपना स्टाइल है भाई उसका एक बात क्या हो गया यार मासूम है मासूम है मैं कह रहा हूँ भाई जो भी बोल लो आप लोग बोल लो बॉलर बॉलर फास्ट बॉलर नहीं है यार मेरा हीरो है मेरा हीरो था और रहेगा खत्म हो गई बात भाई। देखिए जब से शोएब अख्तर गया है तो दुनिया में इतना फास्ट बॉलर कोई आया है फास्टेस्ट बॉलर कोई आया है उसके बाद शोएब अख्तर के जाने नहीं इतनी तेज छोड़ता भी कोई नहीं है जितनी तेज ये छोड़ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जो ख्वाब उन्होंने देखा था पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए उस ख्वाब पे उन्होंने मिसबाह उल हक को रख लिया शोएब अख्तर को नहीं रखा। हालांकि ख्वाब इनका था कि मैं ये भी हो जाऊं ये वो सब उन्होंने मिसबाह को बना दिया इनको बिठा दिया कि तुम बाहर बैठ के सिर्फ टीम में क्या हो रहा है असल में वो वही काम कर रहा है जो बेचारा वो ऑस्ट्रेलिया जाके अपने घुटने निकलवा कर आ गए ना यार। अब अगर घुटने नहीं निकलवाते तो शायद पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है शेखी से यार क्या भाई जिसके घुटने ना हो उसकी अकल कहाँ होती है यार ये बताए मुझे कोई यार बताए आप लोगों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है शेखी से यार भाई एक स्टाइल है उसका वो जब भी फाइटर था अभी भी फाइटर है भाई तो क्या हो गया यार बिल्कुल शोएब अख्तर की एक ट्रॉफी बना ले उसको चूसते रह गए आप भाई यार भाई मेरा जो भी है भाई मेरा रिकॉर्ड तो हो रहेगा मैं वो हीरो में मानता हूँ इसको जिस तरह बातें करता है वो भी भाई सही है आप एक लॉलीपॉप बना ले चूसते रह गए उसको भाई शोएब अख्तर की अब मैं टी शर्ट बनवा के लाऊंगा।